मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नौकरी के बदले सेक्स की डिमांड करने वाले बीज निगम अफसर संजीव कुमार की सेवा समाप्त कर दी गई। अधिकारी पर महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन पर कार्यवाही की गई है। मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के प्रबंध संचालक ने संविदा पर नियुक्त संजीव कुमार तांतुवाय प्रक्षेप उत्पादन अधिकारी निगम मुख्यालय भोपाल की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। ग्वालियर में छात्राओं से नौकरी के नाम पर सेक्स डिमांड करने का मामला सामने आने के बाद अफसर संजीव कुमार के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया था। बीज निगम के महाप्रबंधक ने आरोपी प्रोडक्शन असिस्टेंट संजीव कुमार तांतुबे को शोकज नोटिस जारी कर दिया था। वहीं मध्य प्रदेश बीज निगम के अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल ने आरोपी अधिकारी को बर्खास्त करने के निर्देश दिए थे। बीज निगम अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल ने निर्देश के बाद विभाग ने अधिकारी को 72 घंटे के अंदर बर्खास्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। भोपाल से आए बीज निगम के अफसर संजीव तंतुआ ने इंटरव्यू के बाद छात्राओं से सेक्स डिमांड की थी। ग्वालियर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बीज विकास निगम में नौकरी के लिए इंटरव्यू हुए थे। संजीव ने नौकरी दिलाने के नाम पर 2 छात्राओं से 1 रात बिताने की डिमांड की थी। 3 जनवरी को ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय में इंटरव्यू हुए थे। इस मामले में रीवा निवासी एमएससी की छात्रा ने ग्वालियर क्राइम ब्रांच से शिकायत की थी, जिस पर क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के खिलाफ धारा 354A के तहत छेड़छाड़ का केस दर्ज कर उसे नोटिस जारी किया। इसके बाद प्रदेश बीज निगम के अध्यक्ष मुन्ना लाल गोयल ने आरोपी अधिकारी संजीव कुमार को बर्खास्त करने के निर्देश दे दिए। अध्यक्ष के निर्देश के बाद अब 72 घंटे के अंदर आरोपी को बर्खास्त करने के लिए कार्यवाही की गई।